नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपने मोबाइल से इस तरीका से नागपंचमी का पोस्टर कैसे एडिट कर सकते हैं, यानी कि पोस्टर कैसे बना सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, 2 अगस्त को जो है नागपंचमी का पर्व है, तो आप इस तरीका से नागपंचमी का पोस्टर अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना इमेज भी लगा सकते हैं, साइड में आप अपना नेम लिख सकते हैं, और यहाँ सोशल मीडिया नेम या सोशल मीडिया का कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको 2 स्टेप में कहीं भी पासवर्ड मिल सकता है, जिस पासवर्ड की मदद से आप इस पोस्टर के जो है PLP फाइल को अनजिप कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आते रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना और पिक्चर एडिटर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इसे ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करते, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब जो मैं आपको PLP फाइल दिया, उसको कैसे डाउनलोड करना है, मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। तब तक चलिए मैं PLP फाइल को ऐड कर लेता हूँ। तो जो PLP फाइल दिया हूँ दोस्तों, उसको आपको डाउनलोड करके आपको यहाँ पर ऐड कर लेना। ऐड करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद ओपन PLP फाइल पर क्लिक कर देना। जैसे ही ओपन PLP फाइल पर क्लिक कर, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ नागपंचमी पोस्टर फर्स्ट के नाम से आपको जो है मिलेगा, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करते, क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पर अपना इमेज लगाना। अपना इमेज लगाने के लिए आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना, और जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इमेज ऑलरेडी पहले से लगा हुआ। अब आपको यहाँ आँख वाले जो आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, ये इमेज देखिए यहाँ से गायब हो चुका। अब आपको अपना इमेज लेने के लिए यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करते हैं, ये आपके गैलरी में लेकर के चले जाएगा। गैलरी में जाने के बाद आपको इस तरीका से एक PNG इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, किसी भी इमेज का PNG कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता है, तो मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सही टिक पर क्लिक कर देना। जैसे ही सही टिक पर क्लिक करते, फिर से इमेज पर क्लिक करना है, और आपको इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर आपको अपना तरीका से एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से क्लिक करना है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट, इस पर क्लिक करके रखना है, और आपको इसे नीचे की तरफ ले करके चले जाना है। तो चलिए हम इसे फिर से यहाँ से नीचे की तरफ ले करके आ जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम नीचे की तरफ यहाँ एडजस्ट कर चुके हैं। अब आपको ये देख सकते हैं कि ये इमेज जो है सही तरीका से एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरीका से आपको अपना इमेज को जो है दोस्तों, यहाँ पर आप जो है इसे बैक में यहाँ पर कर लेंगे, बैक सेंड टू बैक पर जैसे ही क्लिक करते हैं, बैक चले जाता है। अब आपको इस तरीका से इमेज को अपने तरीका से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ नेम लिखना है। नेम लिखने के लिए सिंपली नेम पर डबल क्लिक कर देना, और जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर बैक स्पेस से आपको इस नेम को रीनेम कर देना, यानी हटा देना, और आप जो भी नेम लिखना चाहते हैं, नेम लिख करके आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आप देख रहे हैं कि चैनल नेम लिखे हुए हैं, तो आपको चैनल नेम लिखने के लिए फिर इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसे रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं, यहाँ कीबोर्ड से लिख देंगे, उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब आपको इसे गैलरी में सेव करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन है, आपको एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है PNG। उसके बाद क्वालिटी में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम ऑलरेडी पहले से है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करके अल्ट्रा कर देना। जैसे ही अल्ट्रा करते, अब आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना। जैसे ही सेव टू गैलरी पर क्लिक करते, ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका PLP फाइल कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, इसका PLP फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको जो वीडियो में 2 स्टेप में पासवर्ड मिला, उस पासवर्ड की मदद से आप इसे अनजिप कर सकते हैं। अगर आपको PLP फाइल को अनजिप करने नहीं आता है, तो मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर के उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से किसी भी PLP फाइल को अनजिप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।